गाइस वेलकम टू अवर चैनल एंड अनदर न्यू वीडियो ऑफ अवर चैनल। सो गाइस आज का वीडियो होने वाला है फ्लेयर का कैरिश्मा बॉल पॉइंट पेन के ऊपर। ये जो पेन है गाइस फ्लेयर का पेन है और एक सिंपल फाइन एक स्लिम पेन है बहुत, आपको दिखाता हूँ अभी मैं। तो ऐसा जो आपको पैकेजिंग देखने को मिल जाती है एक सिंपल बॉक्स में, यहाँ पे आपको जो है सिंपल एक स्लिम लुक का पेन आपको देखने को मिल जाता है। अब इसको जो है निकालते हैं इसमें से, आप देख सकते हो जो पेन है कितना स्लिम है, आपको दिखा तो मैं निकल के भी, और एकदम लाइट वेटेड है गाइस। इसका जो वेट है कुछ भी नहीं होगा, आप देख सकते हो कितना स्लिम पेन, आपको आपने देखा होगा पहले, पता नहीं मुझे, पर बहुत स्लिम है। और इसकी जो आपको ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है, एक मिनट आप देख सकते हो। और जो है बहुत अच्छा गाइस पेन जो है लिखने के मामले में और जो बाकी यूज़ के मामले में बहुत अच्छा पेन है। ट्विस्ट मैकेनिज्म के साथ आपको मिल जाता है पेन देखने को, और जो इंक सिस्टम है वो भी आपको जो है पीछे आपको जो है ऐसा पुल करना पड़ता है तो निकल जाता है जो ऊपर की कैप है वो, और आपको जो है फिर से अगर चेंज करने होगी रिफिल तो सेम सिस्टम जो हमारे सिग्नेचर पेन में था सेलो के वैसा ही है, फिर से आपको लगा देना है नई रिफिल अगर आपको इंसर्ट करने होगी तो। हो गया बस खत्म गाइस, इतना ही है पेन में, बाकी कुछ आपको मिलता नहीं जाता बॉक्स में, और ट्विस्ट मैकेनिज्म है। तो चलिए इसकी जो राइटिंग टेस्ट ले लेते हैं। सो गाइस हमारा जो पेन है आपको देखने को मिल रहा होगा, इसकी जो अभी राइटिंग टेस्ट ले लेते हैं, तो देखते कैसा है, मैंने अभी यूज़ नहीं किया कभी भी। सो गाइस जो पेन है उसने थोड़ा सा अटकना शुरू किया है यहाँ से, पर आगे कुछ नहीं होता, कभी कभी होता है गाइस जो नए पेन रहते ना उसमें कभी कभी वो बहुत दिन पैक रहते हैं ना इसके वजह से होता है, पर गाइस आगे उसने कुछ हमको जो ऐसा कुछ क्या बोलते हैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। आप देख सकते हो आपके सामने लिख रहा हूँ कितने हल्के हाथ से लिख रहा हूँ, बहुत अच्छा पेन है गाइस फ्लेयर का। आपको जो है इसको मैं फुल मार्क्स तो नहीं दूंगा, पर 10 में से आप इसको 9 मार्क्स दे सकते हैं राइटिंग एक्सपीरियंस में। मुझे इतना अच्छा मतलब जो सिग्नेचर सीरीज के पेन थे गाइस उसको जो लिखने का एक्सपीरियंस मिला ना गाइस वो इसमें भी नहीं मिला, क्योंकि हार्ड राइटिंग है थोड़ा सा हार्ड राइटिंग है आप देख सकते हो। तो चलिए अभी जो है इसका प्राइस और बाकी का डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए गाइस अभी जो है इसका जो है सब डिस्कस कर लेते हैं बाकी के कंटेंट्स और प्राइस। तो आपके सामने प्राइस और पूरा जो है इसका बॉक्स रख दिया है मैंने, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो आप, जूम कर दूंगा आप देख सकते हो कंटेंट्स इसमें गाइस। आपको जो है करिश्मा बॉल पेन आपको देखने को मिल जाता है, नेट क्वान्टिटी 1 है, और MRP जो है इसकी आपको 125 रुपीज़ आपको देनी पड़ती है, तो जो कि बहुत अच्छी जो है एक प्राइस में आपको पेन मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही था, और पेन आपको मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपका एक रफ यूज़ होगा तो आप यूज़ कर सकते हो, पर प्राइस भी हेवी है 125 मतलब, तो उसमें जो आपको बहुत अच्छे अच्छे पेन भी आते हैं। तो अगर आपके हाथ आपको जो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लिखने का तो आप यूज़ मत करिए, क्योंकि पेन जो है थोड़ा हार्ड है लिखने में। तो मैंने जो आपको रिकमेंड किए पेन पिछले वाले जो सिग्नेचर सीरीज के पेन थे सेलो के वो आप यूज़ कीजिए, अगर आपको हार्ड राइटिंग करनी होगी बहुत 3-4 घंटे अगर आपका यूज़ होगा लिखने का कंटिन्यू राइटिंग होगी तो आप वो पेन यूज़ कर सकते हो, वो बढ़ते टैप के लिए, और प्राइस भी इनकी बराबर है। तो चलिए आज का वीडियो इतना था, थैंक यू गाइज बाय, और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। सो गाइज ये जो छोटा सा ऑडियो एक वॉइस ओवर क्लिप है आपके लिए, और गाइज में जो है एक आपके लिए जो गाइज एक सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ जो गिव अवे सरप्राइज़ है गाइज, उसके लिए जो प्लान कर रहा हूँ आपके लिए। अगर गाइज हमारे जो है 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो आपके लिए जो एक गिव अवे होगा वो मैं प्लान कर रहा हूँ। सो गाइज चलिए जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए गाइज आज का वीडियो इतना ही था, थैंक यू गाइज बाय, और गाइज वो सब्सक्राइब का भूलना मत, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।